तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि बाल को यानी कि भुट्टे को अक्सर लोग आग पर तो पका कर खाते ही खाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग अपने भुट्टे को कोयले पर नहीं, आग पर नहीं, बल्कि इसको पानी में बॉयल करके पकाएंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार यह पानी में एकदम आसान तरीके से इसको पकाया जा सकता है और यह खाने में कैसा लगता है। तो वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 बाल का छिलका को एकदम अच्छे से हटा करके अलग कर लिया है। अब तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है प्रेशर कुकर। अब अपने भुट्टे को इसी प्रेशर कुकर में डाल करके हमको बॉयल करना है। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया है चम्मच। अब इसी के ऊपर हम लोग अपने भुट्टे को टेक दे करके अड़का देंगे ताकि ये पानी में भीगे नहीं। आपके पास और कोई जुगाड़ हो तो आप उसको ले सकते हैं। अब इसमें हम पानी पहले ऐड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने पानी ऐड कर लिया है। अब अपने भुट्टे को एक एक करके अंदर डाल देंगे। प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। अब इसका हम ढक्कन लगाकर 3-4 सीटी लगा लेते हैं। चलिए फटाफट इसके एक्स्ट्रा स्टीम को यानी कि वाष्प को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए भुट्टा हम लोग का एकदम अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हम लोग का भुट्टा काफी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है और ये अंदर से भी काफी अच्छी तरीके से पक चुका है। देखिए काफी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आपने सिंघाड़ा खाया होगा तो एकदम जस्ट लाइक उसी की तरह या सिंघाड़े की तरह ही इसकी खुशबू आ रही है, जो कि हमने यहाँ से एक दाना निकाल करके इसे खा करके चेक किया है। देखिए इसका एकदम स्वाद वैसे ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी रेसिपी। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।